मंत्रा नहीं है कि रनिंग वॉकिंग स्ट्रेंथ ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है एथलीट के लाइफ में. अगर आप एक दिन अगर स्ट्रेंथ करें तो दूसरे दिन आप रनिंग करना चाहते हैं, और एट द एंड ऑफ द डे हमेशा आप कोशिश करते हो कि आप एटलीस्ट दो तीन राउंड आप वॉकिंग करें ताकि आप आपका बॉडी को वापस से नॉर्मल और काम इसमें ले आएँ. और इसलिए ये इम्पॉर्टेंट है कि सिर्फ एक्टिव एथलीट होने से रनिंग ही इम्पॉर्टेंट नहीं है. कहीं ना कहीं हमको ये भी बोला जाता है कि आप वॉकिंग करना चाहिए, बिकॉज दैट इज़ अ बेसिक थिंग. और ये इम्पॉर्टेंट है कि आपके बॉडी उस पर सिंक हो. इसके अलावा जिस तरह से आईपीएल होता है मेंस के लिए, स्ट्रेस वुमेंस के लिए होना चाहिए आई थिंक ये सीज़न हम तीन टीम्स इंक्लूड हुए हैं. होपफुली एक दो साल में फ्रेंचाइजेस भी इंटरेस्ट दिखाना चाहिए और एक फुल फ्लेज्ड आईपीएल होनी चाहिए दो तीन साल में. वेल 24th को तो अगर इंडिया में होंगी तो, क्योंकि हमारा वेस्ट इंडीज़ स्टोर है तो शायद नहीं हो पाएगा, लेकिन ये एक बहुत ही अच्छा वे है कि आप अवेयरनेस स्प्रेड करो लोगों में कि जो बेनिफिट्स है वॉकिंग की. तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आजकल लोग काफ़ी बिजी होते हैं लाइफ में, इतना ध्यान नहीं देते फिटनेस पे या सिंपल चीज़ें जैसे आप 20-30 मिनट्स ऑफ वॉकिंग करते हैं, इसमें ही आपके बेनिफिट्स काफ़ी हैं जी. आई थिंक स्केचर्स जो हैं, जो शूज़ हैं, वो सारे उनके पास काफ़ी वैरायटी है मैन वुमेन के लिए, चिल्ड्रन के लिए. और एज एन एथलीट अगर हमको रनिंग शूज़ चाहिए या वॉकिंग शूज़ चाहिए, स्पेसिफिकली डिज़ाइंड हैं. और इसीलिए मुझे लगता है कि ये काफ़ी कंफर्टेबल है, काफ़ी लाइट हैं. तो अगर ये पहन के आप भागते भी हैं 20-25 मिनट्स के लिए, आपको ये नहीं लगता कि आपके शूज़ हैवी हो गए हैं. तो ये बेनिफिट है स्केचर्स के. और मुझे लगता है कि ये सभी लोग पहनते हैं कंफर्ट के लिए. और इसीलिए आई थिंक जो एसोसिएशन है मेरा इस इवेंट के थ्रू स्केचर्स के साथ, मैं आई एम वेरी हैप्पी.